हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो जनरल टेस्ट है, अगर उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, यानी कि इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन जीटी, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। तो उसका सिंपल सा एक मेथड होता है कि अगर आपको जनरल टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज या करंट अफेयर जो क्वेश्चन हैं आपको वो अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा टिक मार्क करना पड़ेगा। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, अगर आप देखें तो जीटी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 60। तो अगर हम उनको तीन पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम उनको ऑन एन एवरेज थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, और आपका जो जीके वाला सेक्शन है, अगर इसमें मैं 20 और 20 क्वेश्चन मान लेता हूँ, तो आपको सबसे पहले जीके वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सो अगर इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। तो आपको जो बाकी के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, वो पहले प्रायोरिटी रीजनिंग वाले को देने चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली उसमें भी सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देना चाहिए, पर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होगा, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर कुछ लोग पहले रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक केस हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सबसे पहले जीके वाले क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप इजीली चूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इसके अलावा और कोई भी एग्जाम हो और जीके का सेक्शन अगर होता है उसमें, तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर, जीके, जनरल अवेयरनेस, ये जो सेक्शंस हैं इन्हें सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है या सॉल्विंग वाला पोर्शन है, आपको वो अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप इस स्टडी से फॉलो करेंगे कि आप डेफिनेटली इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। गुड लक।